जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, 2 ESC में जो आपकी भर्ती आउट हुई थी, जिसमें आपके 400 और 100 पोस्ट रहने वाली हैं, तो इसके जो एग्जाम के आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, आपके एग्जाम डेट, आपका एग्जाम वेन्यू, आपके एग्जाम शिफ्ट, आपका एग्जाम टाइम, हर एक चीज़ आपको पता चल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जानकारी है ना, वो आपके एग्जाम के पोस्टपोन होने को लेकर है। लेकिन कोई भी आपके जो है फैसला लेने से पहले एक बार पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपकी अपडेट क्या है। चलिए आपको सबसे पहले अपडेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक मैसेज है जो कि आपको ASC सेंटर साउथ की तरफ से देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है, अगर आपका एग्ज़ाम ASC सेंटर साउथ बेंगलोर कर्नाटक में दिया गया था, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम कब होने वाला था, जो आपका एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला था ना, वो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम देखिएगा अब 30 जनवरी को कर दिया गया है। कि एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ आपके MTS सफाई वाला लेबर की, यानी कि मजदूर की, अब वो आपका यहाँ पर 30 जनवरी साल 2022 को होने वाला है। और यहाँ पर जो भी आपका टाइम है ना, रिपोर्टिंग टाइम है, वो आपका सेम रहने वाला है और प्लेस भी आपका सेम रहने वाला है, ये चीज़ आपको बताई गई है। लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब आपके एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए थे, तब आपको हमने ये बताया था कि आपके एडमिट कार्ड कब आउट होंगे, जनवरी में। बिल्कुल सही साबित हुई है और कोई भी यहाँ पर झूठ नहीं है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आ चुके थे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको हमने ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम डेट में, आपके एग्ज़ाम वेन्यू में, आपके एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा मोटा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और इसका मात्र एक रीज़न है जो कि आपको हमने पहले ही बताया था और वही आपको फिर से बताते हैं, वो है आपका COVID-19। यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं जो आपके कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कार्यक्रम जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कुछ आपके सेंटर के एग्जाम भर्तियों के, वो भी आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, और मात्र एक रीज़न की वजह से, वो है आपका COVID-19। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका ASC का, मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिए। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आपके जनवरी में जो एग्जाम है ना ASC की भर्ती के, वो मे बी शायद आपके यहाँ पर पोस्टपोन न हो सकते हैं जनवरी वाले, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो हो या फिर न हो। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट ने दावा किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट दी है, उसके अकॉर्डिंग आपका फरवरी साल 2022 में जो COVID-19 है वो अपने पीक पर रहने वाला है। ये चीज़ हम नहीं बल्कि आपके एक्सपर्ट ने दावा किया है। तो अगर आपको COVID-19 पीक पर रहता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका वह ASC का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका फरवरी में एग्जाम है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 1 फरवरी 2 फरवरी कोई भी डेट हो, तो उसमें आपके चांस बनते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कंडक्ट न किया जाए और जनवरी वाले शायद आपके कंडक्ट हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर फिलहाल में जो अभी सिचुएशन है, मैं जिस डेट को आपको ये बातें बता रहा हूँ ना, वो डेट आपके रहने वाली है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी को शायद आपके यहाँ पर सिचुएशन अभी जो है, अगर वैसे रही तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन अगर सिचुएशन गंभीर हो जाती हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम पोस्टपोन जरूर होगा। ये चीज़ आप लोग चाहे लिख लीजिएगा, ये जानकारी है, कोई भी जानकारी फेक नहीं है। आपको हमने क्या कहा था कि आपके एग्जाम डेट में, एग्जाम टाइम में, एग्जाम वेन्यू में चेंजेस जरूर होंगे, हुए कि नहीं ये मैसेज देख सकते हो गए। और फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर फरवरी में एग्जाम कंडक्ट होने के बिल्कुल ना के बराबर चांस हैं, जनवरी वाले 50-50% चांस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो भी जाए या फिर कंडक्ट भी हो जाए। ये चीज़ आपके डिपेंड करती है आपके सिचुएशन पर, क्योंकि ये चीज़ तो खुद अभी ASC भी नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ होगी। लेकिन जब पॉसिबिलिटी आपकी डिपार्टमेंट के थ्रू निकल के आती है, जो एक ऑथेंटिक जानकारी होती है, वही आपको हम बताते हैं, और जो जानकारी हमें मिली है वो आपको हमें प्रोवाइड करवा दी है। तो ये थी बातें, अगर फिर भी आपके आगे आने वाले टाइम में कोई अपडेट आती है, तो वो आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।